हाँ जी सर। हाँ जी जी ये वो धर्मशाला से बोल रहे सर। हाँ जी हाँ जी सर, कुछ वेदर वगैरह क्या उधर सर, रूम बुकिंग? वेदर मतलब रूम बुक करना है या क्या जानकारी चाहिए आपको? सर रूम उसी हिसाब से बुक कर लेंगे ना, अगर वेदर बढ़िया है जैसा। वेदर अभी जो बर्फ पड़ी है ऊपर पहाड़ों पे पड़ी है, नीचे धर्मशाला में नड्डी में इन पे नहीं पड़ी है, जो आपका ट्रून ट्रैक है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पड़ी है। उम्मीद है कि अच्छा 3 या 4 तारीख को जब दोबारा मौसम थोड़ा सा चेंज होगा ना, हाँ जी जब हैवी स्नोफॉल होने के चांस है, पर आप नहीं हुआ जो 31 तारीख का बता रहे थे ना, हाँ जी हाँ उसमें जी ऊपर ऊपर 2 बार रेंज में हुई है बस, वो भी अब मतलब बड़ी हल्की बर्फ पड़ी है, मतलब वो वाली बर्फ नहीं पड़ी। तो आप वहां जा सके, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है अपनी, हाँ जी अपने पास गाड़ी है अपनी, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम मतलब हो वही प्रोग्राम हो हिसाब से हम जा सके। देखो सर, जब स्नोफॉल होगा ना, हैवी वाला स्नोफॉल होगा वो उसी 3-4 दिन रहेगा, तो जैसे अच्छा स्नोफॉल जी होगा हैवी वाला तो मैं वहीं पे हूँ, नड्डी जाऊंगा मैं भी उस टाइम पे ना, हमारे भी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे अभी, अच्छा तो जी नड्डी जाऊंगा तो मैं आपको लाइव अपडेट दे दूंगा वहां से, तो आप निकल सकते हैं फिर गाड़ी लेके। अच्छा हाँ जी अगर तो आपको रूम का एंजॉय सर करना है। कैसे, हाँ जी रूम का फिर उसी हिसाब से बुक करोगे? नहीं रूम के लिए एक्चुअली मेरा होटल नहीं है, मैं तो यहाँ पे अच्छा जी होम स्टे का है मेरा, नीचे धर्मशाला से नीचे ना, अच्छा और जी तो टूरिस्ट का धर्मशाला रहता से है। नट्टी कितनी दूर पड़ जाएगा फिर? धर्मशाला से पड़ जाता है 10-12 किलोमीटर आपका। अच्छा हाँ जो प्रॉपर ऊपर जाके आपने घूमना होगा वो, बाकी डल लेक तक ये 5-6 किलोमीटर है, तो रीजन ये कि बर्फ हल्की फुल्की दिखनी है पहाड़ों के ऊपर तो वो दिख जाएगी आपको, मौसम ठंडा है अभी अच्छा, बादल नहीं है। हर हाँ हल्की फुल्की तो यहाँ से भी दिख रही है, हमीरपुर से ही हम। हाँ आप हमीरपुर से आप? जी अच्छा हाँ तो बस फिर वो हैवी वाली देखनी है तो फिर आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही जी फाइनल होगा तो हमीरपुर से कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे आपके मुश्किल से गाड़ी से। मुश्किल 3 घंटे लगेंगे हाँ मेरे 3 घंटे को। लगेंगे मुश्किल से, तो आ जाइएगा आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं अपडेट दे अच्छा दूंगा उस पर ना, ट्रैवलिंग स्नो पे अपडेट डाल दूंगा। काफी सारे लोग रुके हुए हैं अभी हाँ उस जी नदी की बर्फ का वेट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट करके जैसे कंफर्म होगा स्नोफॉल हो जाएगा जैसे बता दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा तो फिर वो आपको जैसे हमने बुकिंग करवानी हो वहाँ पे धर्मशाला में होगी बुकिंग ना? हाँ जी नहीं बुकिंग धर्मशाला के में लिए बुकिंग होटल बहुत होगी? सारे हैं जिनके मेरे पास नंबर हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर भेज देता हूँ, उनसे आप बात कर लीजिए, ठीक अच्छा है। ठीक ठीक है जी। है, नड्डी का भी दे देना सर, इधर का भी सर। हाँ हाँ नड्डी ही है मेरे पास मैक्सिमम, क्योंकि नड्डी में ही आते हैं लोग स्नोफॉल के लिए ना, जी हाँ जी हाँ, उधर तो के ही दे दो मतलब। मैं भेज देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है धन्यवाद।